वेलकम गाइस। सो हाउ टू सेट अ गिव अवेज ड्यूरिंग योर लाइव स्ट्रीम। आप अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान गिव अवेज कैसे रख सकते हो, तो पूरा ट्यूटोरियल है इसके ऊपर, मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। तो चलते हैं फटाफट से अपने क्रोम पे और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग स्ट्रीम लैब पे गिव अवेज कर सकते हैं। चलिए सर, तो गाइस हमें करना कुछ नहीं है, अपने क्रोम पे जाना है और यहाँ पे लिखना है स्ट्रीम, सॉरी स्ट्रीम लैब्स। लगाते ही पहली वेबसाइट तो क्या streamlabs.com खुल जाएगा। लॉगिन कर लीजिए अपने YouTube अकाउंट से, जो भी आपका YouTube अकाउंट है। यहाँ पे मैं अपने YouTube अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। ये YouTube अकाउंट पे लॉगिन हो चुका है। आपको क्लाउड्स पे जाना है, क्लाउड बोर्ड पे, और इसको इनेबल करना है। ये आपका डिसेबल होगा, सबसे पहले आपको इनेबल करना है इसको। तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको इनेबल कर लेते हैं। मेरा पहले से इनेबल था, मैंने डिसेबल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो 2-3 सेकंड लेता है ये इनेबल होने में। तो क्लाउड बोर्ड इनेबल हो चुका है। क्लाउड बोर्ड इनेबल होते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, गिव अवे। बैक कर लिया मैंने। यहाँ से मैं ऐड गिव अवे करूंगा, कस्टम और मर्चेंट। अगर आपका कोई मर्चेंडाइज है तो आप मर्चेंडाइज पे जा सकते हो, अदरवाइज आप कस्टम पे जाओ। आप कस्टम पे गिव अवे का नाम लिखो। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट। मैंने एक रैंडम नाम ले लिया। कितने देर के लिए आपको चलाना है ड्यूरिंग योर लाइव स्ट्रीम, ये किस किस के लिए होगा? केवल सब्सक्राइबर्स के लिए होगा, या सब्सक्राइबर्स एंड मॉडरेटर्स के लिए होगा, या एवरीवन यानी कि हर किसी के लिए होगा? थोड़ी सी डिटेल डाल दीजिए, आपको क्या आपने प्राइज रखा है अपने गिव अवे में, और इसको ऐड कर दीजिए। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग ऐड। तो देख लिए यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। आपको जाना है अपने कस्टम्स में, और यहाँ पे जितने भी आपके गिव अवेज चल रहे हैं आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ये एक टेस्ट गिव अवे मैंने आपको दिखाया था, ऐड करने के बाद आपको इसको स्टार्ट करना है। और जैसे ही आप इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपका गिव अवे स्टार्ट हो जाएगा। और आप देखो यहाँ पे टाइमिंग चलनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये टाइमिंग खत्म होगी यहाँ से बंद हो जाएगा, और ये सब कुछ बंद हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, क्लोज एंट्रीज, और यहाँ से विन पिक विनर करना है। और जैसे ही यहाँ से आप पिक विनर करोगे आपके पास एक रैंडम एक नाम निकल के आएगा, जो भी सब्सक्राइबर होगा उसमें से स्ट्रीमलैब ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा नाम, और उस वो विनर को, उस विनर की चैट यहाँ पर हाईलाइट होने लग जाएगी। तो अगर आपको उसको कोई भी पेटीएम या फिर कुछ भी देना है, आप उसको बोलो, चाहे आपके पास 40,000 वॉचिंग हो, चाहे आपके पास 40 वॉचिंग हो, उस बंदे का नाम आपके पास यहाँ पे आने लग जाएगी, उस पर्टिकुलर बंदे की चैट आपके पास यहाँ पे आने लग जाएगी। तो आप उससे कह सकते हो, या तो आपको वो अपना पेटीएम नंबर जो भी आप उसको गिव अवे में देना चाहते हो वो आपको दे देगा। आपके पास उसके बाद डायरेक्ट आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास, और आप लोग ये चीज कर सकते हो। अब आपने गिव अवे तो सेटअप कर दिया, बंदा इसमें ऐड कैसे होगा, कोई भी यूजर है इस गिव अवे के लिए पार्टिसिपेट कैसे करेगा? तो आपको क्या करना है, बैक जाओ, गिव अवे सेटिंग्स में जाओ, और यहाँ पे कमांड लिखो। यहाँ पे कमांड लिखो कि बंदा क्या डाले जिससे कि वो गिव अवे में एंटर हो जाए। तो आप लोग को क्या करना है, हैशटैग पे आपको कुछ भी लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है हैशटैग पबजी मोबाइल गिव अवे। तो कोई भी अगर पबजी मोबाइल गिव अवे लिखेगा वो ऑटोमेटिकली मेरे गिव अवे में एंटर हो जाएगा, और उसका नाम लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है? और आपको कुछ नहीं करना, फिर यहाँ पे सेव करना है एंड दैट्स इट। लेकिन ये कमांड आपको जरूर सेट करनी है, बिना कमांड के यूजर नहीं कर पाएगा, आपको अप्लाई नहीं कर पाएगा गिव अवे के लिए। तो वीडियो कैसी लगी यार आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको भी गिव अवेज पे पार्ट लेना है तो प्लीज़ जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारी लाइव स्ट्रीम पे हमारे साथ जुड़े रहो। हमारे पास डेली गिव अवेज होते हैं, हम यूजर्स को पॉइंट्स भी अर्न करवाते हैं जिससे कि वो हमसे यूसेज भी परचेज कर सकते हैं। तो पॉइंट्स आप अर्न करो हमारी वीडियो से, और यूसेज भी परचेज करो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। गुड बाय।